हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएससी स्टडी। लास्ट वर्ड में हम टॉपिक कर रहे थे ब्रूट फोर्स सर्च, जिसके अंदर से हमने उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया था। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपने वॉच की होगी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा ब्रूट फोर्स सर्च पार्ट टू, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रूट फोर्स सर्च से रिलेटेड बच्चे जितने भी टॉपिक्स हैं, डायग्राम्स हैं, एल्गोरिदम है, कैसे वो परफॉर्म करती है विद एन एग्जाम्पल, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पार्ट टू। देयर आर द कॉमनली यूज्ड सर्च प्रोसेस। यहाँ पर एक कॉमन यूज होने वाली सर्च प्रोसीजर है, विच एक्सप्लोर ऑल द ऑल्टरनेटिव ड्यूरिंग द सर्च प्रोसेस। जो जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं ऑल्टरनेट में आ सकते हैं, उन सभी नंबर ऑफ नोड्स को वो एक्सेस करती है, सभी को ट्रावर्स करती है। सपोज करो कि एक रूट नोड है, उस रूट नोड में एक ट्री, हम ट्री स्ट्रक्चर ले रहे हैं। सपोज करो एक ट्री है, ट्री के पास एक रूट नोड है, ओके। 20 जो है वो राइट साइड में नोड्स है एंड 40 नोड्स लेफ्ट साइड में। तो वो क्या करेंगे, 20 प्लस 40 प्लस 1 रूट नोड, 20 प्लस 40 यानी कि 60 और प्लस 1 61। नंबर ऑफ टोटल जितने भी नोड्स होंगे यानी 61 नोड्स हैं, तो वो 61 के 61 नोड को एक्सेस करने का ट्राई करेगा जब तक उसको एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिल जाता जो सही है, सेटिस्फाइंग सॉल्यूशन है या ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है। ड्यूरिंग द सर्च प्रोसेस, सर्च प्रोसेस के टाइम पर वो सर्च तो करेगा, जितने भी ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं उन सबको सर्च करेगा। अब आपको क्या लगता है, जब तक वो 40 तक आया, नंबर 40 नोड तक आया, बीच में क्या उसको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला? हो सकता है उसको सॉल्यूशन मिला हो, बट ये नहीं हो सकता कि वो हमेशा सेटिस्फैक्टरी या ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही होगा। जैसे ही उसको अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा जो ऑप्टिमल है या फिर सेटिस्फाई है, तो वहीं पर वो स्टॉप कर देगा। देयर आर द प्रेफरेंसेस गिवन टू द अदर ऑफ द सक्सेसर नोड जनरेशन एंड द सिलेक्शंस। यहाँ पर हम जो प्रेफरेंस, देयर आर द नो प्रेफरेंस, यहाँ पर कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती टू द अदर सक्सेसर्स, अनदर सक्सेसर्स को। वो हम एक बार इसके अंदर जब डायग्राम को डिस्कस करेंगे ना, तब देखेंगे डायग्राम से आपको क्लियर हुआ। इस लाइन को भी हम होल्ड रखते हैं। द पाथ इज सिलेक्टेड ब्लाइंडली मैकेनिज्म फॉलो। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम कुछ भी पाथ को चूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसी पाथ को चूज कर रहे हैं, लेफ्ट करा, राइट किया या कोई भी पाथ चूज किया, लेफ्ट राइट जिक्स में किया, कोई भी पाथ चूज किया, तो उस टाइम पर वो ब्लाइंडली सर्च में ब्लाइंडली सर्च करेगा, ब्लाइंडली पाथ को सिलेक्ट करेगा, कोई माइंड लगा के नहीं करेगा, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाएगा और सिलेक्ट कर लेगा पाथ को, ठीक है। क्योंकि नोड्स को उसने सारे ट्रैवर्स करने, जब तक उसको अपना फाइनल सॉल्यूशन गोल नोड ना मिल जाए तब तक ऐसे नोड फाइंड करता रहेगा। बट कर तो ब्लाइंडली रहा है ना, उसको ये नहीं पता लेफ्ट से स्टार्ट करूँ, राइट से स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, किस मैकेनिज्म में सर्च करूँ, उसे कुछ नहीं पता। उसे सिर्फ इतना पता है कि मुझे सबसे पहले राइट लेफ्ट वाला सर्च करना है, फिर राइट पर जाना है। दे डू नॉट हैव एनी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। उसके पास कोई भी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होती, यानी कि जो भी इसका यूज़ कर रहा है वो यूज़ कब करता है, जब या तो उसको ऑप्टिमल सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ढूंढना हो या फिर उसे नॉलेज नहीं होती, तभी तो उसको ब्लाइंडली सर्च और अनइन्फॉर्म्ड सर्च भी बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर हम ब्लाइंडली पाथ को सर्च कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है यूज़र को कि किस तरह से या फिर किस डोमेन से ये स्पेसिफाई करती है प्रॉब्लम, ठीक है, उसे कुछ नहीं पता उसके डोमेन का। सम कॉमनली यूज ब्रूट फोर्स सर्च टेक्निक्स आर। कुछ ब्रूट फोर्स सर्च में यूज होने वाली टेक्निक्स कौन सी हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कम्प्लीटली डिस्कस नहीं किया था, बस इसके नेम्स को देखा था कि क्या होते हैं। फर्स्ट आता है डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड सेकेंड आता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी एल्गोरिथम देखेंगे, किसकी, ब्रूट फोर्स सर्च की, क्योंकि मिक्स मिनिमम सेम ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट एल्गोरिथम देख रहे हैं। दिस एल्गोरिथम मेक्स सम अजम्पशंस। ये एल्गोरिथम जो है वो कुछ अजम्पशंस पर काम करती है, कुछ अजम्पशंस बनाती है, यानी अपने अकॉर्डिंग ही रूल्स बना लेती है। ऐसा करने से हम ऐसे पाथ तक पहुंच सकते हैं, इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो कुछ अजम्पशंस बना लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है यहाँ पर, अ प्रोसीजर मस्ट बी देयर टू फाइंड ऑल द सक्सेसर्स ऑफ अ गिवन नोड। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी नोड है उसको हम सर्च कर रहे हैं, एक नोड है, सपोज करो ए एक नोड है, उसको हम सर्च कर रहे हैं, राइट, ए को हम सर्च कर रहे हैं। अगर ए के फर्दर नोड्स हैं, ए के फर्दर नोड्स हैं, तो हम उसको भी चेक करेंगे, उसको भी ट्रावर्स करेंगे, ठीक है, वो प्रोसेस में हम उसे भी फाइंड आउट करेंगे। देयर इज ओनली वन स्टार्ट स्टेट। यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टार्ट स्टेट होती है, ठीक है। कौन सी स्टार्ट स्टेट है यहाँ पर, रूट। रूट से हम सर्च करना स्टार्ट करते हैं, रूट से हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। एंड दैट पाथ परफॉर्म द स्टार्ट नोड एनी अदर नोड इज यूनिक। हम रूट नोड से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, देखेंगे फर्स्ट जो नोड आ रहा है वो कौन सा यूनिक नोड है, ठीक है, यूनिक नोड कौन सा है, या फिर आप यहाँ पे गोल भी लगा सकते हैं। फाइनली व्हेन जब आपको गोल नोड मिल जाएगा इज जनरेटेड, देन द पाथ ऑफ द रूट गोल कैन बी इजीली फाउंड। यानी कि आप रूट से चल रहे हो,
रूट से आप सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड सर्च किया, फिर राइट साइड सर्च किया, तो जैसे जैसे चलते जा रहे हो वहाँ पर वो पाथ आपका सिलेक्ट होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने उस नोड को सिलेक्ट किया है तो कुछ किसी ना किसी रीजन से किया होगा। अगर आपने ए से बी वाला सिलेक्ट कर दिया, सी वाला सिलेक्ट नहीं किया, तो कुछ तो रीजन होगा ना कि आपने ए से बी को ही सिलेक्ट किया, ए से सी को सिलेक्ट क्यों नहीं किया, है ना। तो बी से आप जरा एफ पर गए, डी ई तक नहीं गए, एफ पर गए, तो कुछ रीजन है कि आप बी से एफ पर गए। इस तरह से पाथ जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जब हम ट्रैवर्स करते हैं और गोल नोड तक पहुंच जाते हैं। सपोज करो कि हमारा गोल नोड जी है, हम अपने गोल नोड तक पहुंच गए जी तक। अब जैसे हमें वो फाइंड हो जाएगा गोल नोड, जो पाथ है वो ऑटोमेटिकली फाउंड हो जाएगा, क्योंकि जिस जिस रास्ते से हम गए थे, हमें सपोज करो कि हमें किसी के घर जाना है, एक फ्रेंड है ए, दूसरा फ्रेंड है बी। अब उस ए फ्रेंड को बी के घर जाना, अब उसको रास्ता जो है वो चलता जा रहा रास्ता नहीं पता उसको, बस ये पता है इस एरिया में हो सकता है, ठीक है, उस एरिया तक जाएगा। जितना रास्ता उसको पता है कि इस एरिया तक जाने का रास्ता क्या, वहाँ तक जाएगा, फिर पूछते पूछते वो उसके घर तक पहुँच जाएगा अपने फ्रेंड के। जब वो वापस आएगा उस टाइम पर उसको रास्ता याद होगा, क्यों, क्योंकि वो चलकर खुद गया, उसने एक एक गली को खुद से ट्रैवर्स किया है, एक एक कदम वो खुद चला, इसलिए उसको वो रास्ता याद रहेगा। सेम वैसे यहाँ पर एक एक नोड को हमने ट्रैवर्स किया है, एक एक नोड को ट्रैवर्स किया तो हमें पाथ जो है वो याद रहेगा, नहीं भी याद रहेगा तो एक ग्राफ में, एक ट्री में अगर हम मार्क कर देंगे तो कुछ नहीं जाता, ठीक है, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं अपने पाथ को। ये हमारा एक डायग्राम है जिसके अंदर रूट नोड है और कुछ लेफ्ट एंड राइट ट्री है, सब ट्रीज। ब्रूट फोर्स सर्च कंसीडर ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ द ट्री। ब्रूट फोर्स सर्च क्या करती है, हर एक ईच एंड एवरी स्टेट को चेक करती है, स्टेट इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द नोड, और वो नोड की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर एक लाइन थी जिसको हमने स्किप करने के लिए बोला था, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, कि देयर इज अ प्रेफरेंस टू गिवन टू अदर सक्सेसर नोड जनरेशंस एंड द सिलेक्शंस। ये कहना चाहते हैं, सपोज करो कि हम नोड पर थे, नोड है ओ, ओ से हम ए पर गए, अब आगे देखो ए के सक्सेसर्स है ना फर्दर सी और डी, ए के चाइल्ड है ना सी और डी, तो हम अगर ए पे हैं तो हम सी और डी को भी ट्रैवर्स जरूर करेंगे, क्या पता ए में हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा और सी या डी में से मिल जाए। अब देखो डी का तो कोई फर्दर चाइल्ड नहीं है, बट सी का है, जी और एच, अगर हमें सी पर नहीं मिल रहा तो हम जी और एच को भी चेक करें, क्या पता उनमें से कोई सॉल्यूशन हो या उनमें से ही कोई गोल नोड हो, ठीक है। वी हैव टू चॉइस, हमारे पास टू चॉइस होते हैं, स्टेट ए और स्टेट बी, यानी कि लेफ्ट वाला सब ट्री और राइट वाला सब ट्री। वी कैन आइदर जनरेट द स्टेट ए और बी, हम ए वाली साइड भी जा सकते हैं फर्स्ट और बी वाली साइड भी जा सकते हैं। एज वी नो टू ऑब्जर्व द स्टेप्स, द ब्रूट फोर्स टेक द 12 स्टेप टू फाइंड द सॉल्यूशन। जैसे कि इसकी एल्गोरिथम में बताया गया था और इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि 12 नंबर ऑफ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, यानी 12 नोड्स को हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा अपने गोल नोड तक जाने के लिए और अपने सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक, कुछ टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।